हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल फेस्ट मुंडे। आप हमारे चैनल बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट बोटानिक के 10-in-1 हेयर ऑयल के बारे में। ये काफ़ी अच्छा तगड़ा वाला हेयर ऑयल है। अगर आप बालों की प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपके बाल खिलते हैं या आपको हर बालों में डेंड्रफ होता है या बालों में आपके खुजली चलती है, इचिंग होती है, इस टाइप की अगर बाल से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है। क्योंकि एक ये अच्छा खासा प्रीमियम ऑयल है, ना कि एक लोकल ऑयल है जो अपन मार्केट में इजीली अपन देखते हैं कि डाबर आंवला हेयर एंड केयर एंड डाबर आंवला इज हेयर केयर जैसे टाइप ऑफ सारे इस तरह के ऑयल हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। पर ये एक खास है, एक अच्छा बालों को अच्छा रखने वाला ऑयल है। इसमें खास बात क्या है कि 10-in-1 हेयर ऑयल का मतलब ये है कि एक तो बालों को फर्स्ट पॉइंट तो है ये बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है, यानी बालों को मजबूती प्रदान करता है। और सेकेंड जो बात करने वाले हैं, ये बालों को स्मूथ करता है, बालों को शाइनी रखता है। और बाकी मैं चीज़ आपको बताता हूँ, पर पहले देख लेते हैं इसका बॉक्स के आगे पीछे क्या रखा है। यहाँ ऊपर इसकी ब्रांडिंग दी हुई है 10-in-1 हेयर ऑयल, और इस तरह की इसकी पैकिंग है। बाकी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको कैसे इसे यूज़ करना है। बाकी ये तो सबसे पहले इसे खोल लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हुए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ये इसकी बोतल दी हुई है और ये इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी पैकेजिंग दी हुई है। चलो इसको साइड में कर लेते हैं और इसको मैं खोल लेता हूँ, आपके सामने खोल रहा हूँ। और मैं 2-4 दिन बाद ये थोड़ा सा इसकी जो डिलीवरी हुई इस टाइम पे ये जो पैकिंग शिप हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, इसे थोड़ा सा ऑयल से बाहर निकला, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। और क्या था इसकी जो फ्रेगनेंस है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेगनेंस से। तो गाइस ये हेयर ऑयल, और मैं बताता हूँ ये ऑयल किस किस से मिलकर बना हुआ है। ये ऑयल ऑलिव ऑयल, कैस्टर, रोजमरी, स्वीट, जुजबा, एगेज, आमला एंड नीम एंड टी टेरा मिलके सभी ऑयलों से मिलकर ये ऑयल बना हुआ है और काफ़ी अच्छा ऑयल है। तो अब इस ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये ट्रांसपेरेंट ऑयल है बिल्कुल, देखो ये ऐसा ट्रांसपेरेंट ऑयल है, ये ट्रांसपेरेंट ऑयल है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट ऑयल है। इसे कोई इसका कलर वलर नहीं है इस ऑयल का, और ट्रांसपेरेंट ऑयल है। तो मैं आपको बताऊँगा इसको यूज़ कैसा करना है। आपको इसको बस तो आपको इसे हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद इसको हाथ में अच्छे से स्क्रब करके और अपने बालों में अप्लाई करना है। ऐसे ऐसे अपने बालों में स्कल्प में अप्लाई करना है, ये हर स्कल्प के हर कोने में आराम से अप्लाई करना है, अच्छे तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद और अप्लाई करके इसको या तो आप रात को लगा सकते हो, रात को लगा दो, रात भर इसको लगे रहने दो। सुबह होकर अपने बालों को एक नॉर्मल शैम्पू से आप शैम्पू कर सकते हैं, और या फिर आप नहाने के 1 घंटे या 2 घंटे 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले इसको बालों में लगा कर रख ले इसको, फिर उसके बाद आप इसे एक नॉर्मल शैम्पू से इसको वॉश कर लें। तो ये था एक ये हेयर बॉल, और मैंने बता इसकी जो खास इंपॉर्टेंट बात है 10-in-1 जो हेयर बॉल नाम रखा गया है। तो इसमें एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ आपको, इसमें बता देता हूँ कि ये बालों को सॉफ्ट करता है, थिक करता है, नरिशिंग करता है बालों को नरिश करता है, और हेयर फॉल से प्रिवेंट करता है, और प्रिवेंट करता है डेंड्रफ से, आपको डेंड्रफ से बचाता है। तो कुल मिला के ये बालों के लिए एक अच्छी खासा पैकेज है, मतलब ऑल इन वन पैकेज है, जिसके अंदर आप बालों की हर प्रॉब्लम से आपको अच्छा खासा सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है, ये आपको या आप इसकी सीट बॉटनिक की इसकी पर्सनल वेबसाइट जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और सभी पर अवेलेबल हो सकता है। और इसकी जो प्राइस है बॉक्स पे दी हुई है 899 इसकी प्राइस है, बट आपको ये ऑनलाइन इस पर आपको 200-300 रुपये कम में या 500-600 या 600 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा ऑयल है, देखो खास दोस्तों ये प्रीमियम ऑयल है तो इसका काम भी है। तो अपन कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो उसका अच्छा मिलता है, वो ब्रांडेड चीज़ महंगी होती है पर उसका फ़र्क भी अच्छा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो चैनल के साथ इस तरह बने रहिए। थैंक यू गाइज़।